हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कार वोर में। यह है टाटा टियागो बेस मॉडल। चलिए मैं आपको एक बार इसका चारों तरफ का एक व्यू दिखा देता हूँ, गाड़ी देखने में कैसी है। ये बिल्कुल बेस मॉडल है गाड़ी का और इसकी एक्स शोरूम कीमत है 4,60,000 रुपये। अभी जुलाई में इस पर ऑफ़र चल रहे हैं और टाटा जो आपको बेनिफिट्स दे रहा है वो 30,000 रुपये तक के डिस्काउंट ऑफर्स इस गाड़ी पर अवेलेबल हैं। तो जो भी टाटा टियागो लेने में इंटरेस्टेड हैं वो अपने नियर बाय शोरूम पे जाके विज़िट कर सकते हैं। ये टाटा की सबसे बेसिक कार है, इससे सस्ती कार टाटा की इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है। और ये आपने एक बार इसका वॉक अराउंड देख ही लिया है, इतने कम पैसों में भी ये एक स्पोर्टी लुक के साथ आती है। एक 360 व्यू देखने के बाद चलिए अब इसकी फ्रंट की प्रोफाइल चेक करते हैं। फ्रंट में मिलते हैं आपको हेलोजन हेडलैम्प, कोई भी फॉग लैंप आपको अवेलेबल नहीं है, बेसिक वेरिएंट है ये। और ये आप देख रहे हैं पियानो फिनिश के साथ फ्रंट में टाटा की बैजिंग। और ग्राउंड क्लीयरेंस मिलती है इसमें 170 mm, जो कि काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लीयरेंस है इस सेगमेंट की। चलिए अब चलते हैं ड्राइवर साइड प्रोफाइल पे। इसमें मिलते हैं आपको 175/65 R14 के टायर्स। ये आपका ORVM मैनुअली एडजस्टेबल ORVM है ब्लैक कलर के साथ। और बॉडी कलर डोर हैंडल्स नहीं है इसमें, ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स हैं, ठीक है। चलिए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और मैं आपको इंटीरियर से गाड़ी की लुक्स दिखाता हूँ कि गाड़ी कैसी है। पावर विंडोज़ इसमें अवेलेबल नहीं है, चारों विंडोज़ मैनुअली एडजस्टेबल हैं। डोर पॉकेट का स्पेस अवेलेबल है। ड्राइवर सीट में आपको कोई भी हाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन नहीं मिलता है, सिर्फ सीट एडजस्टेबल है। ये ORVM मैनुअली है। और मैं आपको दिखाता हूँ डैशबोर्ड, डुअल टोन फिनिश के साथ डैशबोर्ड है, ठीक है। और गाड़ी में आपको मिलता है AC हीटर, लेकिन कोई भी आपको टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम या कोई भी स्पीकर इस गाड़ी में अवेलेबल नहीं है। कप होल्डर्स के लिए काफ़ी स्पेस है, दो कप होल्डर्स हैं, एक बोतल होल्डर है। और आपको आगे भी एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलता है, ठीक है। मोबाइल रखने के लिए आपको इंटीरियर में काफ़ी स्पेस है। ये आपके कंट्रोल्स और ये एक आपका छोटा सा स्पेस, यहाँ पे आप अपना कुछ भी सामान रख सकते हैं, ठीक है। स्टीयरिंग एडजस्टेबल है इसमें अवेलेबल हमारे बेस वेरिएंट में। और अब हम इसका ग्लोब बॉक्स चेक कर लेते हैं, ग्लोब बॉक्स के अंदर क्या स्पेस अवेलेबल है। काफ़ी अच्छी स्पेस है, मुझे नहीं लगता इस सेगमेंट में इससे बड़ा ग्लोब बॉक्स कोई और कंपनी अवेलेबल करा रही है। और इस गाड़ी में आपको कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलता, ठीक है। और अगर इसकी सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो इस गाड़ी में ABS भी अवेलेबल है, EBD अवेलेबल है और दो एयरबैग के साथ ये गाड़ी आती है। NCAP ने इस गाड़ी को 4-star रेटिंग दी है। फ्रंट सीट्स में आपको मिलते हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट, ठीक है। चलिए अब गाड़ी से बाहर निकलते हैं और पीछे चलते हैं गाड़ी में और देखते हैं पीछे कितना स्पेस अवेलेबल है। फ्रंट सीट मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट की हुई थी और अब हम पीछे का स्पेस चेक करेंगे। ये डोर आप देख रहे हैं, इसमें आपको बोटर होल्डर्स अवेलेबल हैं, मैनुअली एडजस्टेबल आपकी विंडो है, ठीक है। और अब पीछे बैठते हैं और देखते हैं गाड़ी के अंडर थाई सपोर्ट कैसी है, क्या स्पेस अवेलेबल है। तो स्पेस तो काफ़ी अवेलेबल है, स्पेस में कोई इशू नहीं लग रहा मुझे। एक बार आप बैक से पूरा व्यू ले लीजिए फ्रंट के इंटीरियर का, पूरा डैशबोर्ड आपने देखा कितनी शानदार लुक है इस गाड़ी की। और ये जो बैक सीट है बेस मॉडल में भी इसके हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल हैं। तो मैंने आपसे कहा था कोई भी और कंपनी इतने कम पैसों में इतने सारे फीचर्स नहीं देती है, ये आपका बूट स्पेस अवेलेबल है। और दोस्तों बात करते हैं इसकी सेफ्टी की। इंडिया में कोई भी गाड़ी 4,60,000 रुपये के एक्स शोरूम प्राइस पे 4-star NCAP रेटिंग नहीं देती है। जो भी दोस्त अपनी सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते और उन्हें बजट में भी कोई गाड़ी लेनी है तो वो अपने लिए ये गाड़ी चूज़ कर सकते हैं, टाटा टियागो XE वेरिएंट में। चलिए अब हम इसका बूट स्पेस एक बार देख लेते हैं, क्या बूट स्पेस इसमें अवेलेबल है। और पीछे भी आपको इसमें मिलते हैं पार्किंग सेंसर्स, दो पार्किंग सेंसर्स पीछे अवेलेबल हैं। ये आपका हाई स्टॉप माउंट लैंप है, ठीक है। और पियानो फिनिश के साथ ये गाड़ी है, पियानो फिनिश का काफ़ी यूज़ किया गया है बेस मॉडल में भी। ये आपका बूट स्पेस, 242 लीटर का बूट स्पेस अवेलेबल है इस गाड़ी में। एक किसी भी फैमिली के लिए छोटी कार लेने में इसमें कोई बुराई नहीं है। ये 3-cylinder पेट्रोल इंजन है, ये आपकी स्टेपनी है यहाँ पे। चलिए अब इसका बूट तो बंद करते हैं और गाड़ी देखते हैं एक बार आगे बोनट ओपन करके इंजन से।
और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए गाड़ी का बोनट ओपन करते हैं और मैं आपको बोनट ओपन करके दिखाता हूँ गाड़ी। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये गाड़ी अपने सेगमेंट की सबसे हैवी गाड़ी है। 935 केजी इस गाड़ी का वेट है। ये स्विफ्ट से भी ज़्यादा हैवी है, स्विफ्ट से ये 100 केजी ज़्यादा है वेट में। ये 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है जो 3 सिलेंडर इंजन है। 86 bhp की पावर जनरेट करता है 6000 rpm पे। ये आप एक बार ओवरव्यू ले लीजिए इंजन का, ठीक है। काफ़ी अच्छा इंजन अवेलेबल है ये टाटा का और माइलेज में भी कोई इशू नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स।